दोस्तों, यदि आप WhatsApp चलाते हैं तो WhatsApp के इस ट्रिक को आज आप जरूर सीखिए। जी हाँ फ्रेंड, यह ट्रिक आपको उस समय काम आएगा कि जब आपसे कोई भी व्यक्ति आपका कोई फोटो मांगता है और आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति को हम जो फोटो भेजें वह व्यक्ति हमारे फोटो को गैलरी में ना सेव कर पाए, सिर्फ हमारी फोटो को देखे और देखने के बाद में उसके फोन से ऑटोमेटिक जब वह बैक हो तो उसका जो फोटो है ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमसे कोई फ़ोटो मांगता है और WhatsApp पर हम उसे फ़ोटो सेंड कर देते हैं और वह उस फोटो को गैलरी में सेव करके रख लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। जिसको आप फ़ोटो भेजेंगे, जैसे ही फ़ोटो देखेगा और जैसे ही WhatsApp से बैक होगा तो उसकी जो फ़ोटो है ऑटोमेटिक उसके फ़ोन से डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड, यह सब कैसे होगा इस वीडियो में आपको बताऊँगा। यदि आपको जानना है इस ट्रिक को तो हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के बगल में घंटी का बटन है, इस घंटी के बटन पर दबाकर आपको ऑल के ऊपर में क्लिक कर देना है ताकि हम जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताते हैं कि क्या करना है। आपको किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है, सिंपली WhatsApp पे जाना है। WhatsApp पे जाने के बाद में जिस फ्रेंड को आपको फोटो भेजना है, मान लीजिए कि आपको इसको फोटो भेजना है, तो यहाँ से आप फोटो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से गैलरी पे क्लिक कर दीजिएगा। करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ से वो एक फोटो ले लेना है। मैं आपको दिखाने के लिए एक फोटो यहाँ पे ले लेता हूँ, तो मान लीजिए मैं इस फोटो को ही ले लेता हूँ। इस फोटो पे मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैं इस फोटो पे क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, बस आपको एक के ऊपर में क्लिक कर देना है। करने के बाद में आपको यहाँ से फोटो सेंड कर देना है। बस इतना करेंगे तो फोटो नहीं जाएगा, सिर्फ फोटो लिखा हुआ जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैसेज आ गया है। अब मैं इस फोन में दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखेंगे कि एक फोटो लिखा हुआ आ गया। देखिए यहाँ पर अभी डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पर फोटो आ चुका है। अब देखिएगा कि देखने के बाद में कैसे डिलीट होगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ ओके करने के लिए कहेगा, तो देख सकते हैं कि यह फोटो मैंने देख लिया। यदि हम चाहेंगे कि इस फोटो को अपने फोन में सेव कर ले तो दोस्तों यह फोटो सेव नहीं होगा, और जैसे ही हम इस बैक बटन पर दबाएंगे तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से जो फोटो है डिलीट हो गया। देखिए डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता रह जाऊंगा, अब वह फोटो दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से आप किसी को भी फोटो भेज सकते हैं। जो व्यक्ति आपसे फोटो मांग रहा है तो अपना फोटो भेज दो, इस तरीके से आप उसको फोटो भेज दे और जैसे ही वह बैक होगा तो उसका जो फोटो है डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड, यह ट्रिक आपके व्हाट्सएप के अंदर ही है। यदि आपके फोन में नीचे एक लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर ले। अपडेट कर देंगे तो आपके फोन में भी यह अपडेट आ जाएगा और आप इस तरीके से व्हाट्सएप पर किसी को फोटो सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।